हेलो फ्रेंड्स। सो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया था झारखंड का इतिहास, और अब स्टार्ट करना है झारखंड आंदोलन। सो आज के वीडियो में हम उसका सिलेबस जानते हैं। सिलेबस जानना बहुत इम्पोर्टेंट है टू अपना पढ़ाई, मतलब कैसे पढ़ाई किया जाए। बिना सिलेबस जाने वी कैन नॉट डू। सो आज थोड़ा सिलेबस जानते हैं। तो आज का टॉपिक है सिलेबस ऑफ झारखंड मूवमेंट और झारखंड आंदोलन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सिलेबस की ही बात कर रहे हैं आज हम लोग। तो जो पहला पोर्शन है झारखंड आंदोलन में, उसमें बात की गई है झारखंड सदान पीपल। सदान का मतलब अगर देखा जाए तो मूल निवासी होता है, मूलवासी। एक मूलवासी तो झारखंड के आदिवासी भी मूलवासी हैं, लेकिन दे आर मैनी पीपल जिनको आदिवासी ग्रुप में नहीं रखा गया है, लेकिन वो भी झारखंड के मूल निवासी हैं। तो हम लोग उससे देखेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल जैसे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे एक है अहीर ग्रुप, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। महतो है, महतो है, महतो को शेड्यूल ट्राइब में नहीं रखा गया है। कुर्मी और महतो मोस्टली एक ही कास्ट में आते हैं। लोहार है, लोहार, ठीक है, तेली है, राजपूत है, तो ये सब बनही है, बनही। तो ये सब ग्रुप जो कास्ट है ना, इनको इनको शेड्यूल ट्राइब में नहीं रखा गया है, लेकिन इनको बोला जाता है ये झारखंड के मूल निवासी या मूलवासी हैं, झारखंड के सदान। और इनसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सवाल पूछा जाएगा, दे लास्ट ओनली वन क्वेश्चन। बट हम लोग एटलीस्ट कुछ कास्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि वो कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे एक लैंग्वेज आपने सुना भी होगा, नागपुरी लैंग्वेज बोला जाता है झारखंड के। रांची वाची में जाइएगा ना तो नागपुरी लैंग्वेज, छोटा नागपुर प्लेटू में कोरथा लैंग्वेज बोला जाता है। कोरथा लैंग्वेज तो ठीक है, असल झारखंड के सिलेबस में भी है। ठीक है, पंच परगनिया लैंग्वेज बोला जाता है, तो इन सबको भी थोड़ा सा देखेंगे। कुरमाली लैंग्वेज बोला जाता है, तो इन सबको भी हम लोग देखेंगे थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा डांस के बारे में भी बात करेंगे, हालांकि डांस का तो अलग सा चैप्टर है ही, मतलब झारखंड के कल्चर, बट इसमें भी थोड़ा छहू के बारे में बात कर लेंगे, कुरमाली के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि सिर्फ एक सवाल इससे पूछेगा, लेकिन हर सवाल इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। ओके, दूसरा है झारखंड के आदिवासी। तो झारखंड के आदिवासी अगर देखा जाए तो हमने ऑलरेडी सारे 32 आदिवासी हमने खत्म कर लिए हैं। आप प्लीज गो बैक टू झारखंड के इतिहास वाले वीडियो में, मैंने सारा आदिवासी खत्म कर लिया। कुछ जो छूट गया है, कुछ पोर्शन, वो मैं देख के फिर से एक नया वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। इससे भी एक ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग सारा मोर और लेस सारा पोर्शन खत्म कर लिए, लेकिन एक मैंने आपको बताया था कि मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें जिसको आप एक बार में ही, अगर आप उस चार्ट को देखेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ के निवास, कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, उनका पेशा क्या है। ठीक है, उनका पेशा क्या है, वो कब आए झारखंड में, वो तो इन सब चीजों को, इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको याद याद करने में सहूलियत हो। ओके, तीसरा है झारखंड फ्रीडम फाइटर, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। इससे भी एक सवाल ही पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इससे सिर्फ एक सवाल जेपीएससी पूछेगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे झारखंड के फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे तिलका मांझी हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, बुद्धू भगत हो गए, पांडे गणपत राय हो गए, सिद्धू कानू हो गए, ठीक है, विश्वनाथ सहाय हो गए, तेलंगा खड़िया हो गए, नीलांबर पीतांबर हो गए, रघुनाथ महतो हो गए, धनंजय महतो हो गए। तो इतने सारे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं जो झारखंड झारखंड में रह के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किए। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे इन डिटेल। तो इसीलिए ये हालांकि एक ही सवाल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं एक लेक्चर में इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2 से 3 लेक्चर बनूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर 10 मिनट का हो ताकि आप बोर ना हो। ओके,
और दूसरा है झारखंड के विभूति। झारखंड के विभूति का मतलब होता है फेमस पर्सनालिटी। फॉर दोज हु आर इन इंग्लिश मीडियम, विभूति मीन्स फेमस पर्सनालिटी। लुक, इससे ना दे लास्ट टू क्वेश्चन, दो सवाल। अगर आप फेमस पर्सनालिटी की बात करें, तो अगर आप झारखंड के जो पिछले वाला था, पिछला वाला झारखंड फ्रीडम फाइटर की था, देखिए झारखंड के जो भी फ्रीडम फाइटर होंगे वो तो फेमस पर्सनालिटी में आएंगे ही आएंगे। तो रिमेम्बर, याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि जो झारखंड के फ्रीडम फाइटर है वो झारखंड के फेमस पर्सनालिटी में नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। साथ में बहुत लोग आएंगे, जैसे MSD हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, और भी बहुत जितने लोग, जितने जयपाल सिंह हो गए, ठीक है, जयपाल सिंह हो गए, जितने भी लोग का इन्फॉर्मेशन होगा ना, जो झारखंड के आंदोलन से के अलग से काम किए, जैसे जो स्पोर्ट्स में है, ठीक है, जो इस जो इस जो कला में है, जो न्यूज में है, न्यूज़पेपर में है, तो उन सबको जो भी फेमस पर्सनालिटी होगा मैं इसमें ट्राई उसमें डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो झारखंड के विभूति का अगर आप देखा जाए तो झारखंड के फ्रीडम फाइटर भी झारखंड के विभूति में आते हैं, तो उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और उसके अलग अलग और भी जो अलग पर्सनालिटी है उनके बारे में भी बात किया जाएगा, ओके। और ये एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी दो सवाल पूछे जाएंगे, झारखंड के मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। तो देखिए झारखंड का राज्य गठन का डिमांड फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ था, किसने किया डिमांड, मतलब उसकी हिस्ट्री से लेके जब 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 झारखंड टू मतलब बिहार से अलग हुआ तब तक की कहानी सारी इसमें पढ़ी जाएगी। तो गाइस, ये तो मैं सिर्फ सिलेबस की बात किया, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये बताएं कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और व्हाट्सएप व्हाट्सएप का लिंक जो इसी वीडियो के में दिया गया है उससे ज्वाइन करें, टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन करें। बिलीव मी, 3 महीने में पूरा का पूरा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस, दो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, हालांकि मैं बोल इंग्लिश हिंदी में रहा हूँ, हालांकि मेरे अगर इफ यू सी आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, लेकिन मैं खत्म करना चाहता हूँ दोनों दोनों वर्ग को, लाइक हिंदी वाले को भी और इंग्लिश मीडियम वाले को भी। सो इसलिए आई हैव ट्राइड कि जब जब वो सिलेबस, जब वो मैं टेस्ट लूंगा, जैसे टेस्ट आने वाला है झारखंड का इतिहास का विद इन 2-3 दिन, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाईलिंगुअल में होगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टूडे, विल डू थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ, ओके।